हेलो दोस्तों दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स। मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। BA LLB LLB BA MA जितने भी स्टूडेंट्स हैं सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस या लॉ के सब्जेक्ट जिनको हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप UPSC के एस्पिरेंट्स हैं तो भी आप इंडियन पॉलिटी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने बहुत ही लैंडमार्क केसेस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अच्छे से बताया है आपको। और अगर आपका लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो लॉ ऑफ टोर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ क्राइम्स और वेरियस लॉज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है जिसका नाम है लॉ विद ट्विंस। उस पेज को जाके आप प्लीज़ फॉलो करें हमें। हम इंस्टाग्राम पर रोज़ रील्स बनाते हैं जो कि जर्नल रोज की जो लॉज है हमारे एक बेसिक लॉज उसके रिगार्डिंग रील्स होती हैं, आपके लिए बेनिफिट हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करूंगा। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की बात करूं तो वो था सोशल साइंसेज। दोनों जो हैं वो सोशल साइंसेज हैं, दोनों सोशल साइंसेज हैं। बिकॉज द बोथ साइंसेज डील्स विद द सोसाइटी, डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर, डील्स विद द ह्यूमन एक्टिविटीज, डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट्स विच कंट्रोल्स द ह्यूमन बिहेवियर। दोनों ही पोलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सोसाइटी से लिंक करने वाली सोशल साइंसेज हैं। पोलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इनके फादर जो हैं इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ हैं, पोलिटिकल साइंस के फादर एरिस्टोटल हैं, अरस्तु जिसको आप बोलते हो। दोनों सोशल साइंसेज आपस में लिंक करती हैं क्लोजली, दे बोथ लिंक टुगेदर, दे बोथ आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। दैट इफ वी वांट टू डू द स्टडी ऑफ वन सोशल साइंस वी मस्ट हैव अ नॉलेज, इवन अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ अदर सोशल साइंस। अगर हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं तो बहुत से टर्म्स ऐसी होंगी इस पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में जो सोशोलॉजी से लिंक करेंगी। छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ इंट्रोडक्शन में आपको। पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ रहे हो कि स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाता है, सोशल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है हमें इकोनॉमिक्स से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। इकोनॉमिक्स में हमें समझने को मिलेगा इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, टैक्स पॉलिसी क्या होती है। मतलब एक चीज़ की स्टडी करना अच्छे से दूसरे चीज़ के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप इंट्रोडक्शन में सारी बातें लिख सकते हो। अब इसके बाद आप लिखोगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आंसर को आपने अच्छे से इम्प्रेसिव बनाना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि बस रिलेशनशिप पूछा है डायरेक्ट रिलेशनशिप लिखना शुरू कर दिया। नो, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप इसके बाद मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस लिखोगे। फर्स्ट हैडिंग विल बी इंट्रोडक्शन, सेकंड हैडिंग विल बी मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। हाउएवर इन द बिगिनिंग इट्स स्कोप वाज नैरो टू डू द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ओनली, बट नाउ इट्स स्कोप इज कंटिन्यूसली एंड इनहांसिंग, इट्स स्कोप इज कंटिन्यूसली डेवलपिंग, इंक्रीजिंग, एमर्जिंग। एंड नाउ इट दिस पोलिटिकल साइंस डज द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग, पोलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग, रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग विद स्टेट, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी करता है। आप ये सारी बातें इसमें लिख दोगे। तीसरी हेडिंग आपकी बनेगी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स मीन्स बेसिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ वेल्थ, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ पर्सन, रिलेशन ऑफ अ पर्सन विद इकोनॉमी। दिस इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है, कैसे
जीडीपी बढ़ेगा, हम इसमें पढ़ते हैं पॉवर्टी कैसे खत्म होगी, हम इसमें पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म होगी, होती क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। अब दोनों साइंसेस का हमें मीनिंग पता चल गया, अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप की बात करो तो रिलेशनशिप में सबसे पहले आप पॉइंट्स लिख सकते हो हेडिंग बना के कि इकोनॉमिक्स वॉज द ब्रांच ऑफ पोलिटिकल साइंस विद द नेम ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या बोला गया कि भाई जो पॉलिटिकल साइंस है उसी की ब्रांच है इकोनॉमिक्स। पहले इकोनॉमिक्स अलग नहीं थी, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच थी। पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच का नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि पॉलिटिकल साइंस के इकोनॉमी कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करती थी। बट नाउ दिस पॉलिटिकल इकोनॉमी हैज बिकम द ब्रांच ऑफ अ सेपरेट पॉलिटिकल सेपरेट इकोनॉमिक्स, but they both are closely connected with each other, they both have the same history, they both have the same landmark roots, दोनों के same roots रहे हैं, same history रही है। economics आज एक science, हमें social science हमें निकल के सामने आ रही है, लेकिन ये political science का ही part है। political science में political economy के concept से ये जो है वो निकली हुई है, आप ये लिखोगे। second point आप लिख सकते हो, both social sciences deals with the welfare of human being, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो चाहे वो सोसाइटी हो, दोनों ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर की बात करते हैं। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो वो हमें बताता है कि पीस कैसे मेंटेन होगी लोगों में, सोसाइटी में पीस कैसे आएगी, शांति कैसे आएगी। वहीं पे इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि लोगों में पॉवर्टी कैसे ख़त्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म होगी। जब पॉवर्टी नहीं होगी तो लोगों में पीस तो मेंटेन रहेगी, अगर लोग गरीब हुए तो वो अशांत रहेंगे, वो शांत नहीं रह सकते, उसमें उनमें पीस नहीं हो सकती। तो बोथ द सोशल साइंसेज डील्स विद द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब अगला जो मैं पॉइंट है उसकी बात करूं तो अगले पॉइंट में आप लिख सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, दे बोथ आर ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंस एंड दे आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर दैट वेयर पोलिटिकल साइंस डज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड स्टेट मेक्स द मैनी पॉलिसीज फॉर पीपल ऑफ कंट्री, फॉर पीपल ऑफ स्टेट, इंक्लूडिंग द सोशल पॉलिसीज, इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज, एंड दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज वुड बी स्टडीड अंडर इकोनॉमिक्स। क्या बोला मैंने आपको, पोलिटिकल साइंस स्टडी करती है स्टेट की, स्टेट जो है वो लोगों के लिए पॉलिसीज बनाता है, पोलिटिकल पॉलिसीज, सोशल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज। और ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, टैक्स पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, पॉवर्टी ख़त्म करने के जो प्रोग्राम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के प्रोग्राम्स हैं, इसके इनके बारे में हमें नॉलेज कौन डीपली देता है, इकोनॉमिक्स देता है। बोथ साइंस आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, फॉर डूइंग द स्टडी ऑफ वन सोशल साइंस कंप्लीटली वी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ अदर सोशल साइंस। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों आप लिख सकते हो कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये हमें नॉलेज देती है स्टेट के बारे में, अबाउट द स्टेट, स्टेट क्या है, स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, स्टेट बनता कैसे है, और जो स्टेट है उसका कार्य क्या है, उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो स्टेट का एक फंक्शन होता है डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का फंक्शन है स्टेट को डेवलप करना, जो हमारा स्टेट है उसको डेवलपिंग स्टेट से डेवलप्ड स्टेट में लेकर आना। तो डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे जो अच्छा तरीका है वो है इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाना, इंडस्ट्रीज़ अपने देश में उत्पाद को बढ़ाना, अपने देश में उत्पाद को बढ़ा के एक्सपोर्ट करना दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को, इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की जाती हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कंसेप्ट डील करता है इकोनॉमिक्स के साथ। क्या बोला मैंने आपको, पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है स्टेट क्या है, स्टेट अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करती हैं। और ये इंडस्ट्रीज़ का क्या मतलब है, इंडस्ट्रीज़ का मिनी उद्योग क्या होते हैं, मिनी इंडस्ट्रीज़, मेजर इंडस्ट्रीज़, उसके अलावा जितने भी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, उनका नॉलेज हमें कौन देता है, इकोनॉमिक्स देती हैं। दोनों साइंस आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं, एक साइंस का नॉलेज लेने के लिए हमें दूसरी सोशल साइंस के टॉपिक्स का पता होना चाहिए, कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए, दे बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें। अब आगे चलते हैं, अब आगे पॉलिटिकल साइंस जो है इट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ वार, युद्ध क्या होता है, युद्ध के कारण क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ वार क्या होते हैं, युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं बाद में, इन चीज़ों से पॉलिटिकल साइंस हमें अवगत कराती है। कॉजेज ऑफ
वार के बारे में बताती है। अब वार के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, युद्ध के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सोशल कारण भी होते हैं, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। तो जो आर्थिक कारण है, जो इकोनॉमिक कॉजेज हैं, उनके बारे में हमें इकोनॉमिक्स अच्छे से बता सकती है। तो अगर हमने पॉलिटिकल साइंस में वॉर का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है तो हमें इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में पता होना चाहिए कि एक कंट्री में युद्ध होने के इकोनॉमिक कॉजेज क्या हो सकते हैं। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप एक और बात ले सकते हो कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील करती है हमारी गवर्नमेंट के ऑर्गन से, गवर्नमेंट से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सभी चीज़ों से हमें पॉलिटिकल साइंस अवगत कराती है। हमें पॉलिटिकल साइंस बताती है कि लॉ कैसे फ्रेम होता है, लेजिस्लेशन कैसे बनता है, विल कैसे पास होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली में या काउंसिल में, जो भी है, इन सभी चीज़ों के बारे में पॉलिटिकल साइंस हमें अच्छे से अवगत कराती है। लेकिन एक बात देखी जाए तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी, वो हमें बताती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे हो सकता है। तो ये जो इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक्स जिन जिन चीज़ों को स्टडी कर रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो स्टडी तो कर रही है, पर एक्चुअल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे हो सकता है जब गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, लेजिस्लेशन बनाएगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए। वो लेजिस्लेशन बनाने की स्टडी कौन करता है? पॉलिटिकल साइंस करता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। इकोनॉमिक्स में पता चलता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होता है, लोगों में इक्वली वेल्थ, पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, होता क्या है, पता हमें चल गया। अब एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे अप्लीकेबल होगी ये चीज़, प्रैक्टिकली होगा कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जब हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो लॉ बनाएगी, किसके लिए कानून बनाएगी, किसके लिए कानून बनाएगी, लोगों के लिए, फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। द बोथ कंसेप्ट आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन में आप बताओगे कि दोनों सोशल साइंसेज हैं। हाउ एवर इकोनॉमिक्स जो अब रिसेंट ओरिजिन हुआ इकोनॉमिक्स का, पहले ये पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से ब्रांच थी, उसका हिस्सा माना जाता था, अब ये डिफरेंट ब्रांच है, लेकिन दोनों आपस में इतने क्लोजली कनेक्ट करते हैं कि एक का नॉलेज हमें होना चाहिए दूसरे के नॉलेज के लिए, दोनों का नॉलेज आपस में हमें गहराई से होना चाहिए, तभी कुछ फ़ायदा है। ये सारी बातें आप इसमें लिखोगे। आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें मेरी मोटिवेशन के लिए, कैसा लेक्चर था, कैसा समझ आया आपको, कौन से लेक्चर्स आपको और चाहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।